ये जी बन के बाकी फिर से एक बार चक्कर लगा दिया है। ये हमारे बर्गर हैं और ये हाय मेरे अल्लाह, ये क्या हाल कर दिया कमरे का। माशाल्लाह से जी हमारी देखिए जो समोसियाँ हैं वो बन के रेडी हो चुकी हैं। हाँ जी, हम इसको जरा 10-15 मिनट के लिए फ्रीजर में रखने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लाइफ विद डॉटर्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला आप सबको ठीक ही रखे, खुश रखे, आबाद रखे और हमें भी खुश आबाद रखे। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। जब भी आप दुआ करें, जो हमारी वीडियो देखते हैं कम अज़ कम उनको तो हम याद होने चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ प्रिपरेशन चल रही है, तो ये प्रिपरेशन जो है वो ये है समोसियों की पट्टी। समोसियाँ बनाने लगे हैं हम, गाजर और ये बंद गोभी थी, कद्दूकस नहीं हुई, फिर इस तरह से कद्दूकस कर रही है फूफो जान, बच्चों फूफो कर रही है आज तो अपनी भतीजियों के लिए तैयारी, उनके आने पे बर्गर बना के देने लगी हैं। साथ में चिकन बॉयल करना है, लेकिन गैस अभी तक नहीं आई तो इसलिए वो साइलेंट मोड में बैठा हुआ है और ये कह रही है मुझे दे दो सब कुछ। आप ले लो, आप ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, आप ले लो। गाजर, प्याज, गाजर को ना मैंने पहले आपको दिखाया था कद्दूकस किया हुआ था, वो कद्दूकस करके उसको बाद में थोड़ा सा भूना है और घी में भूना है और उसको भूनने के बाद बच्चियाँ खाती है ना उदा अब नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसकी जो गजाइयत है वो चली गई है। ये हड्डियाँ मतलब ये हो गया वेज प्लस चिकन, वेज प्लस समोसे, वो समोसे पट्टियाँ भी निकाल के अभी मैदा मैदा करके रखी रही हैं। ये देखें सब कुछ लगा है और वो वॉकर में खेल रही है। सारे सही थे, सारे यूज हुए वही दो तीन दिन। यहाँ पे मैं प्रीहीट कर रही हूँ और ओवन में मैं बनाने लगी हूँ नान की टाइप, जो कि आज जो है वो ऑर्डर पे बना रही हूँ, फरमाइश पे बना रही हूँ, ऑर्डर पे बना रही, फरमाइश पे बना रही। ये मेरे नंद बड़ी नंद की फरमाइश है, उसके नंद फरमाइश पे बन रही है। जो यहाँ पे हमारी नान की तैयार सारी रेडी हो चुकी हैं और यहाँ पे मसाला भी तकरीबन समोसियों का वो भी ख़त्म होने वाला है और समोसियाँ ये काफ़ी ज़्यादा बन गई हैं। आप लोग सोच रहे हैं इतनी सारी तैयारी किस लिए, हमारे फिर फेंकेगी। ये बहुत उल्टी का उल्टे काम करती है, उल्टी बच्ची। गंदा बेबी है ये, गंदा बेबी हूँ मैं। यहाँ पे जी हमारी नान खतियाँ भी तकरीबन जो है ना वो रेडी होने वाली है। देखिए ज़रा आपको अंदर से दिखाते हैं, देखिए। और ये समोसियाँ भी काफ़ी बन गई हैं, बाकी जो है वो हम फ्रीज कर देंगे और कुछ जो है वो हम खा लेंगे। उधर मम्मी के लिए रोटी बनाने लगी है क्योंकि गैस ना चली जाए हमारे इस काम में। ये सब आ जाते इसलिए क्योंकि आज ना हड्डियाँ बनाई हैं, ना रोटियाँ बनाई हैं, कुछ भी नहीं किया, बस यही काम किया है। अभी बर्गर बनाने बाकी हैं, ये शामी कबाब जो है ना उसके लिए
बना के रखे हुए बर्गर नहीं बनाए। माशाल्लाह से जी हमारी देखें जो समोसियाँ हैं वो बन के रेडी हो चुकी हैं। हाँ जी हम इसको ज़रा 10-15 मिनट के लिए फ्रीजर में रखने लगे हैं। और यहाँ पे देखें ये मेरी नाश्तियाँ भी रेडी हो गई हैं। माशाल्लाह कितनी प्यारी है ना, खाने में भी बहुत मज़े की। इतनी खस्ता है ना कि मुँह में जाते ही ऐसे घुल जाती है। और अभी बाकी जो है मैंने रेडी करके रखी है जैसे ऐसा, क्योंकि मेरा ओवन छोटा है ना तो इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी ओवन तो है ना। हाँ जी बर्गर बनाने की तैयारी करते हैं। आज अभी एक बनाओ ना, एक बार चेक करते हैं ना कि बनता है कि नहीं बनता इसका नमक वाला। ये समोसा पोटी इसके हम ना नमक वाले बना के चेक करते हैं। इस ये रख लो ना, ये जो ख़राब पीस हैं ये रख लेते हैं, इसके आज बना के देखते हैं बनते हैं कि नहीं, बाकी फिर देखेंगे। अगर बन गया तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम बना लेंगे, बाकी सही है ना। चलो हाय मेरे अल्लाह, ये क्या हाल कर दिया कमरे का। देखें जी मैं बसर पकड़ूँ कि क्या पकड़ूँ, मेरा कमरे में क्या बाहर किचन का भी वही हाल है और इधर कमरे का भी वही। हाँ जी सुन ली मैंने आपकी बात, आपने मुझे जो हुक्म दे दिया ना वैसे ही है, ठीक है। और ये देखें अपनी पुप्पो की तरह हड्डियाँ जूझ रही है, हड्डियाँ जूझ रही हूँ। और क्या सारी ताकत तो इनमें होती है जो आप फेंक देते हैं, आपको तो पता ही नहीं है। हाँ जी मैंने इसलिए कहा था हिबा चूसे, हिबा को सारा ही पता है। देखा उसने स्माइल दे दी, इसका मतलब वो कहती है हड्डियों में बहुत ताकत होती है, ये आप फेंक देते हैं ना। मैं इसकी पूरी गजाइयत ले रही हूँ। देखें जी हमारा जो है वो सारा कुछ सामान जो है वो इसका रेडी हो चुका है बर्गर का। इधर जो है हम बर्गर बनाए छोटे करके रखे हुए हैं। और यहाँ पे है जी, क्योंकि हमारे पास माइनस ख़त्म हो गई है, वो कैसे पड़ी हुई थी तो हम कैसे के साथ ही बना रहे हैं। शामी कबाब पहले से हमने फ्रीज करके रखे हुए बना के, तो ये बन गया बर्गर। वाओ इसको मुंह में डालो और शमी यमी करके मिनटों में खा जाओ। देखिए सारा सामान रेडी है। जरा बच्चों के लिए जो करना है वो उसमें शामी कबाब भी हमने हाफ लगाना है और ये अंडा भी मिर्चों के बगैर लगाना है और बंद गोभी हमने बिल्कुल यूज़ नहीं करनी क्योंकि वो खाते नहीं हैं। और मैं यहाँ पे जो है ना बच्चों के लिए भी फिटर बना रही हूँ, रोटी अपने के लिए आटा ले आई हूँ। ये वो कैसा बना, ये वो यम्मी है, यम्मी है, यम्मी है ना, खा क्या रही है इसमें से। ये हमारी समोसियाँ बन गई हैं और ये मैं बर्गर खा रही हूँ, ये मैं खा रही हूँ। छोटा पीस वो पहले वाले थोड़े से ज़्यादा हो गई ना, वाइट ज़्यादा करो तो ये सही कर रहा है। ये बात ही होता है तो कल लगा है 2 घंटे हो गए मेरे ख्याल में 11:30 तब से गैस आई। हाँ तब से बड़े ज़्यादा हो गया। निकली थी ना उससे हमने ये नमक मारे बनाने की कोशिश की है लेकिन वो कट नहीं रहे थे तो हमने हाथ से इनको बना लिए। और आप देखिए ये कैसे फूला है और इसको टेस्ट करके अगर क्रिस्पी तो हुई। ओहो ना क्रंची क्रंची की आवाज आ रही है ना, बहुत ही ज्यादा इतना क्रिस्पी है।
मजे के भी हैं। ज्यादा नमक वाले नहीं होते, वैसे ही बने हैं। समोसा पट्टी जो ज़ाया नहीं हुई अभी, ये बच गई है, इसको अब बाकी जो हमने बचा के रखी है उसकी नेक्स्ट टाइम फिर से हम इस तरह से स्नैक्स। ये तो ये हमारा इवनिंग स्नैक्स नहीं है, ये आफ्टरनून स्नैक्स है। इवनिंग स्नैक्स भी हो गया और आफ्टरनून स्नैक्स भी हो गया। अभी मैंने कुछ बर्तन धो लिए थे, अभी फिर से मेरा तो नहीं बोलते हैं। बच्चे ये रेडी हो चुकी हैं ट्यूशन जाने के लिए, और ये जो है वो सोने की तैयारी में है, लेकिन जब तक ये जाएंगे ट्यूशन ये सोएंगे नहीं। तो अभी पहले ट्यूशन बच्चों को छोड़ के आऊँगे और कपड़े भी धोने वाले इनके यूनिफॉर्म, क्योंकि फिर ये बस दो पेपर आए हैं। स्माइल दे दो, ओ स्माइल दे दे, ये मुझे हैंड तो बाहर का लो गंदा बच्चा।